कुछ कुछ प्रिंसेस यहाँ आपको नहीं दिखेगी क्योंकि वो यूज हो चुकी है। बेंटो केक के लिए हमें इतना स्टडी बॉक्स की कोई वैसे जरूरत है नहीं। एक जो राउंड शेप है ना वो नहीं आता है, फिर मैं इसको हमेशा स्टॉक में रखती हूँ, दो तो रहता ही है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक टूल्स जो आपको ज़रूरत पड़ेगी इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी एज अ होम बेकर। तो सबसे पहला चीज़ तो आपको लगेंगी है जो केक यूटेंसिल्स आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक है हाइटेड वाला, ये आप देख सकते हो। अगर आपको हाइट वाली चाहिए तो आप इसमें बेक कर सकते हो। और दूसरा जो है ये स्क्वायर साइज़ में भी अवेलेबल होती है और ये राउंड साइज़ में भी अवेलेबल होती है। एंड इसकी हाइट और जो बेस है वो आप चेक कर लेना। तो अगर आप लोग जस्ट स्टार्ट कर रहे हो अपना बिज़नेस तो मैं कहूँगी कि आपको जो हाफ केजी का केक का ऑर्डर ज़्यादा आने वाला है सो आप वो वाला एक ही टिन खरीद लेना और उसी से आपका काम चल जाएगा। आप एक केजी का भी उसी से ही बना पाओगे एंड बाद में आप सारे साइज़ भी ले सकते हो। तो गाइस यहाँ पे और जो एक आप ले सकते हो वो ये वाला जो कि आपको हेल्प करेगी डॉल केक बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये इससे ना अच्छा शेप आता है जो आप ड्रेस बनाओगे डॉल का। बट मेरे पास भी ये नहीं था, मैंने ये रिसेंटली ही परचेज़ किया है। इससे पहले जो है मैंने मतलब मैं जब डॉल केक बनाती थी तब ऐसे में बना के ही मैं ये पोर्शन ऐसे कट करके उसको शेप देती थी। तो ऐसा कोई मतलब बात नहीं कि आपको ख़रीदनी ही पड़ेगी ये वाला, आप इससे भी काम चला सकते हो। एंड फिर आ गया ये वाला, ऐसा आप ख़रीद सकते हो, या तो दो ख़रीद लेना आप या तो एक से भी हो जाएगा। ये आपको फुटबॉल केक बनाने के लिए बहुत हेल्प करने वाली है क्योंकि आप जितना भी हाथ से ट्राई कर लो एक जो राउंड शेप है ना वो नहीं आता है अगर आप खुद से काटने जाओगे। तो क्या है ना डॉल केक में आप तो आप फिर भी मतलब ऐसे काट के शेप बना सकते हो बट जो राउंड शेप है ना वो नहीं आता है ईजिली। तो मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको फुटबॉल केक का ऑर्डर आता है ऐसा कुछ तो आप ये वाला ख़रीद सकते हो। तो नेक्स्ट जो चीज़ है जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है इन स्पैचुलास की। ये मैंने रिसेंटली बाय किया है, मेरे पास पहले और पहले का जो है तीन मेरे पास है और ये दोनों मैंने रिसेंटली ख़रीदा है। तो आप देख सकते हो ये जो सिलिकॉन जो स्पैचुला है ये बहुत हेल्पफुल होती है किसी भी चीज़ को स्क्रैप करने के लिए, एकदम ही प्रोडक्ट वेस्ट नहीं जाता इससे। तो मैं तो ज़रूर से कहूँगी कि आपको ख़रीदनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है पैलेट नाइफ, तो इसको आप ज़रूर से ख़रीदना। ये छोटे साइजेस में भी अवेलेबल होते हैं तो आप ख़रीद लेना। आपको ये इससे ज़्यादा आपको छोटी वाली ज़रूरत पड़ेगी अगर आप लोग बिगिनर हो तो। तो उसके बाद आता है गाइस जो है वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ है, मतलब मैं क्या बताऊँ बहुत सारी, बट मैं आज सिर्फ उन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगी जिसके मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो सेकंड चीज़ जो है आप लोग पूछते रहते हो कि बेंटो केक के जो बॉक्सेस है वो मैं कहाँ से लेती हूँ। ये ये गाइस बेंटो केक का बॉक्स आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं ऐसे बंडल में ही ख़रीदती हूँ जब भी ख़रीदती हूँ। तो ये मैं मतलब लोकल स्टोर्स से भी ख़रीदती हूँ और मैं ऑनलाइन भी ख़रीदती हूँ। तो मैं पेज जो है मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक कर लेना। तो ये मुझे गाइस 20 रुपीज़ का पड़ता है एक बॉक्स और कहीं कहीं पर थोड़ा कम में भी मिल जाता है, लाइक 15 to 18 रुपीज़ में, कहीं कहीं पर 12 रुपीज़ में भी मिल जाती है। बट गाइस क्वालिटी का डिफरेंस होता है, मैं फिर से बोलना चाहूँगी आप लोगों को, बट इतना क्वालिटी देख के भी क्या ही फ़ायदा है ना। अगर आप लोग को कम में मिल रहा है तो आप वो ले लो क्योंकि इतना भी बेंटो केक के लिए हमें इतना स्टडी बॉक्स की कोई वैसे ज़रूरत है नहीं। सेकेंड आती है ये पाइपिंग बैग, आप देख सकते हो गाइस ये ऐसे 100 पीसेस या 50 पीसेस में आपको मिल जाएंगी। तो ये जो पाइपिंग बैग है आप देख सकते हो ये ऐसी आती है, आपको यहाँ पर कट करके जो है नोज़ल घुसा के आप उसको पाइपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। गाइस नेक्स्ट में देख लेते हैं केक बॉक्सेस एंड केक बेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये केक बेस है और इतनी सारी मैंने ऑर्डर करी थी एंड ये ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट। तो 100 पीसेस जो है मैंने लाया था और ये अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। तो आप देख सकते हो ये है केक बेस जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है फ्लावर डिज़ाइन में है और प्लेन भी मिलता है, आपको जो पसंद है वो ले लेना। मुझे प्लेन ज़्यादा पसंद है बट वो अवेलेबल नहीं था उस टाइम तो उससे मैंने ये वाला ले लिया। तो ये 1/2 kg का है और सेम आपको 1 kg या फिर 2 kg 3 kg सबके लिए मिल जाएगा। उसके बाद आता है केक बॉक्सेस, तो यहाँ पे कैसे देख सकते हो ये है मेरा 1 kg का केक बॉक्सेस जो कि प्रिंटेड में है। आप लोग वाइड भी ले सकते हो, प्रिंटेड भी ले सकते हो। प्रिंटेड वाला थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है और प्लेन वाला थोड़ा मतलब थोड़ा ही डिफरेंस होता है वैसे तो। ये आप देख सकते हो ये 1 kg का बॉक्सेस है, यहाँ पे काफ़ी क्यूट है ना ये वाला प्रिंटिंग, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, पिंक कलर में है ऊपर से। और ये तो चॉकलेट बॉक्स है, पता नहीं कहाँ से आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कपकेक्स के कुछ बॉक्सेस। तो ये रहे कपकेक के बॉक्सेस, ये है विंडो बॉक्स,
मैं यहाँ पे आपको कहीं पे स्क्रीन पे दिखा दूंगी इसका जो है फाइनल लुक, मतलब बनाने के बाद ये कैसा आता है। ये 6 पीस का है, ये 6 पीस का है ये वाला, और ये वाला जो है ये है 4 पीसेस का केक बॉक्स, कप केक बॉक्सेस सॉरी। और जो है आप मतलब ये विंडो बॉक्स का ना प्राइस ज़्यादा पड़ता है, लाइक 35 to 40 रुपीस पड़ जाता है एक बॉक्स का। तो आप लोग देख लेना, आप प्लेन भी ले सकते हो या फिर ऐसा विंडो बॉक्स भी आप ले सकते हो, एज पर आपका जो भी बजट हो उसके हिसाब से आप ले सकते हो। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि मैं कौन सा मशीन यूज़ करती हूँ क्रीम व्हिप करने के लिए। तो वो है बजाज का, फिलिप्स का वाला महंगा होता है, और उससे ये वाला थोड़ा सा कम पे आपको मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने भी यही वाला लिया, 1 साल शायद हो गया इसको लेते हुए मुझे। एंड अगर आप बिगनर्स भी हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जो 250-300 में जो मिलती है वो बिल्कुल मत लेना गाइस। आप लोग बिगनर्स होने से भी यही लेना, बजाज का वाला ही ले लेना, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है आपको। एंड मशीन जो चीज़ें हैं ना वो जल्दी ख़राब हो जाती है, जो कम प्राइस में आप लोग को मिल जाती है वो सब, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। बट सरप्राइजिंगली जो मैंने ख़रीदा था जब मैंने स्टार्ट किया था अपने बेकिंग की जर्नी, तब मैंने 250 का ख़रीदा था, एंड वो मुझे लाइक 2-3 साल तक वो इतना अच्छा से चला, बट फिर ना वो उसके जो ब्लेड्स थे वो रस्ट हो गए, एंड देन मैं उसको यूज़ नहीं कर पाई थी। तो उसके बाद ही फिर मैंने ये वाला लिया था, बट वो 2-3 साल चलना भी बहुत होता है 250 में ख़रीद के भी। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बिगिनर हो, अगर आप बिगिनर भी हो तो ये ही वाला ख़रीदना। इसका कॉस्ट मैं भूल गई, लाइक 1200 समथिंग ऐसा ही कुछ था। मैं सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनके लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप बाय कर सकते हो गाइस। सो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक करना। नेक्स्ट हम देखते हैं चलिए कुछ टॉपर्स वगैरह। तो गाइस यहाँ पे है कुछ टॉपर्स, आप देख सकते हो ये छोटे साइजेस में हैं एंड दूसरे दूसरे कलर्स में हैं, ग्रीन रेड ब्लू आप देख सकते हो। और फिर है मेरे पास जो है बड़े वाले एक्रेलिक टॉपर्स, ये देख सकते हो गोल्डन कलर में, और यहाँ पे ये भी दूसरे दूसरे डिज़ाइंस में मेरे पास है अवेलेबल, काफ़ी सारी ही है एक्चुअली, लाइक 8 से 10 डिज़ाइन तो है मेरे पास अभी अवेलेबल। तो ये है, और कॉइन टॉपर्स भी है, आपको दिखाती हूँ, अभी तो बहुत ट्रेंड में चल रहा है कॉइन टॉपर्स। ये देखो गाइस, इसमें एक पेपर लगी हुई रहती है, आप सबको पता अगर नहीं हो तो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे ये पेपर लगी हुई रहती है, एंड इसको आप हटाओगे तो देखिए कितनी शाइनी ये है। एंड इसको मैं पूरा नहीं हटाती हूँ क्योंकि फिर ये ख़राब हो जाएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी शाइन करती है ये। उसके बाद गाइस यहाँ पे अभी देख लेते हैं कुछ कार्टून टॉपर्स, और यहाँ पे है आप देख सकते हो मिकी माउस है, और यहाँ पे है पबजी, ये रहा पबजी, ये सारे पेपर टॉपर्स हैं। यहाँ पे है मोटू पतलू, और ये रहा गाइस टॉम एंड जेरी, एंड यहाँ पे है डोरेमोन, और भी काफ़ी सारे थे वो यूज्ड हो गए हैं, मुझे ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा अभी। तो उसके बाद देख लेते हैं कुछ बारबी के टॉपर्स भी हैं मेरे पास, ये आप देख सकते हो प्रिंसेस टॉपर्स, कुछ कुछ प्रिंसेस यहाँ आपको नहीं दिखेगी क्योंकि वो यूज्ड हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर है ये बेबी शावर का टॉपर, कितना क्यूट है ना गाइस ये। और गाइस यहाँ पर ये लीफ है एक्रेलिक का, आप देख सकते हो। और यहाँ पे है हार्ट टॉपर्स भी है, जो कि ये वाला, ये रेड में है और ये गोल्डन में है। और अब देख लेते हैं कुछ बटरफ्लाइज, जो कि मुझे मतलब मेरी पर्सनल फेवरेट है, ये आप देख सकते हो ये बटरफ्लाई, ये सिल्वर में है, ये ब्लैक कलर में है, ऐसी वाली है, मेरे पास 6 कलर्स में है, पिंक पर्पल येलो ब्लैक ब्लू, और कुछ छूट गया क्या पता नहीं, ये वाला देख सकते हो ब्लू कलर में है ये, और गोल्डन बटरफ्लाई भी है मेरे पास, अभी पता नहीं कहाँ चली गई, मिल ही नहीं रही मेरे, अच्छा जो भी हो मेरे पास है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एनिवर्सरी टॉपर्स है, यहाँ पे भी ये प्लास्टिक लगी हुई रहती है, ये भी बहुत शाइन करती है। और ये है छोटे वाले एनिवर्सरी टॉपर, या आप बेंटो केक्स वगैरह में यूज़ कर सकते हो, ये सबसे छोटी वाली है, कितनी होगी 3.5 इंच शायद होगा इसका हाइट। तो मुझे तो नहीं लगता टॉपर्स में और कुछ है मेरे पास अभी फ़िलहाल, कुछ मैं अगर अतरंगी सा कुछ खरीदती हूँ तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है टॉपर्स, पहाड़िया लाइट वाले टॉपर्स है ये। और गाइस यहाँ पे ब्लैक कलर में भी मेरे पास टॉपर्स अवेलेबल है, ये छोटी साइज़ में है, ये बड़ी साइज़ में है। और यहाँ पर ये कॉन्ग्रेचुलेशन्स का टॉपर है आप देख सकते हो, और ये वाले रिंग सेरेमनी की है। और गाइस आप लोग पूछते रहते हो कि मैं कौन सा क्रीम यूज़ करती हूँ, तो वो भी मैं दिखा देती हूँ आज आप सबको।
तो यहाँ पे है हमारा क्रीम गाइस, ये रहा डिलाइट, यही मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि यही अवेलेबल है, वरना स्टार विप है और ट्रोपोलाइट है, वो भी काफ़ी अच्छी है, और एक है क्रिस्टल जो कि मेरा फेवरेट है बट यहाँ पे नहीं मिलती है, मैंने एक बार लाया था, मैं गुवाहाटी से एक बार लेकर आई थी जब मैं गई थी, बट वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, तो मैं अगर गुवाहाटी से मंगवाती हूँ तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, तो इसलिए मैं डिलाइट से ही काम चलाती हूँ। एंड डिलाइट मतलब सबसे अच्छा है, इसकी रेट भी ठीक है, टेस्ट भी अमेजिंग है। तो गाइज़ इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं कौन सा वनीला एसेंस यूज़ करती हूँ, तो यहाँ पे जो है मैं जेम्स का वनीला एसेंस यूज़ करती हूँ, एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल एंड काफ़ी इसका जो टेस्ट है मुझे पसंद आया, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। और एसरो का जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बट वो यहाँ पे लोकल शॉप्स में अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन आउट ऑफ स्टॉक रहता है ज़्यादा टाइम, बट वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो एसरो वाला। गाइस मैं फिर आपको बताना चाहती हूँ, ये है टाइलोस पाउडर, आपको ख़रीदनी चाहिए ये अगर आपको फॉन्डेंट केक्स के ऑर्डर्स आते हैं तो ये बेस्ट होता है। और जो वनीला एसेंस यहाँ पे मैं इसको हमेशा स्टॉक में रखती हूँ, दो तो रहता ही है, तो ये आप देख सकते हो जेम्स का काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे ये हार्ट टॉपर, ये गोल्डन में है और ये रेड में है, और आप लोग ये गोल्डन एंड सिल्वर जो है फ्लेक्स खरीद सकते हो, ये आपके सिंपल केक्स को भी ना बहुत ही एलिगेंट एंड रिच लुक देता है, तो ये आपको ज़रूर से ख़रीद लेनी चाहिए। एंड यहाँ पे गाइस है पेपर टॉपर्स, कुछ आप देख सकते हो खाली हो गई है आधी, तो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, और तो कुछ वैसे है नहीं दिखाने के लिए। और अगर आपको मेरे स्प्रिंकल्स देखने हैं ना, मतलब स्प्रिंकल्स का कलेक्शन, तो इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी सिर्फ स्प्रिंकल्स के ऊपर कि मेरे पास कौन कौन से स्प्रिंकल्स अवेलेबल है। तो मैं अभी कुछ क्वेश्चंस के मतलब बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, और अगर मैं अभी इस वीडियो में आंसर नहीं करूँगी तो फिर मैं बाद में भूल जाऊँगी या फिर छूट जाएगा मुझसे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इस वीडियो में ही मैं आप सबके जो जितने भी डाउट्स है वो क्लियर कर देती हूँ। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी क्या आपने अपने घर के बाहर केक का साइन बोर्ड लगाया है, तो हाँ गाइस मैंने लगाया था जब मैंने स्टार्ट किया था बेकिंग, उसके एक साल बाद मैंने लगवाया था, दो मैंने बनवाई थी, एक मैंने घर के बाहर लगवाई थी और एक मैंने जहाँ पे मेरी शॉप है वहाँ पे लगवाया था, बट उससे कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं मुझसे, एंड मैं आप सबको भी रेकमेंड नहीं करूँगी ये करने के लिए, बेकार आपका पैसा वेस्ट जाएगा। सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म आज के ज़माने में गाइज, आप अपना केक बना के पोस्ट करो एंड आपको ज़रूर से कस्टमर्स मिलेंगे, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो सोशल मीडिया है। तो ये साइन बोर्ड्स वगैरह में आप लोग अपना पैसा जो है वेस्ट मत करो। सेकंड क्वेश्चंस जो है, मुझे बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं कि आपने कहाँ से सीखा, तो गाइज मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आई एम सेल्फ टॉट बेकर एंड मैंने कहीं से कोई क्लास नहीं लिया है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अगर आप भी अभी अगर आपने कहीं से कोर्स भी लिया हुआ है तो प्रैक्टिस ही है जिस जो आपको परफेक्शन तक पहुँचाएगी। और एक क्वेश्चन आता है कि मैं कहाँ कहाँ अपना केक की डिलीवरी करती हूँ, तो गाइज मैं सिर्फ बंगाईगांव में ही डिलीवरी करती हूँ, उससे बाहर मैं नहीं करती हूँ क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, अगर केक नहीं होता कुछ और सामान होता तो फिर भी मैं करा देती, बट केक के लिए तो अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप लोग बंगाईगांव से हैं तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे इंस्टा में आप लोग डीएम कर सकते हो, मैं यहाँ पे इंस्टा आईडी जो है मेंशन कर दूंगी, आप लोग मुझे फॉलो कर लेना अगर आप नहीं करते हो तो। और बहुत लोगों का कमेंट्स आता है कि मुझे केक की वीडियोज़ में प्राइस भी बता देनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसे बता नहीं सकती, तो आप लोग मुझे डीएम करना, मैं आपके सारे डाउट्स जो है डीएम में सॉल्व कर दूंगी, तो आप लोग मुझे डीएम करना, मैं वहाँ पे सारे जितने भी कॉस्ट रिलेटेड डाउट्स हैं वो मैं आप सबको रिप्लाई कर दूंगी। और गाइस आप लोग मिक्सिंग बोल्स जो है वो ज़रूर से ख़रीद लेना, मेरे पास अभी चार है, बट अभी वो सारे में ही मेरे क्रीम्स रखे हुए हैं क्योंकि जस्ट मैंने अपना एक ऑर्डर कंप्लीट किया, तो मैं यहाँ पे तो दिखा नहीं पाऊँगी, बट मैं फ़ोटो ज़रूर से अटैच कर दूँगी, तो वो भी आप लोग ज़रूर से ख़रीद लेना, बहुत यूज़फुल होती है वो, क्योंकि नॉर्मल आप लोग जो घर पे बाउल होती है ना उसमें उस ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता है वो, आप मिक्सिंग बोल ज़रूर से ख़रीद लेना। तो या दैट्स इट गाइस, और यार मैं भूल गई फिर से क्वेश्चंस, तो इस वीडियो के ना कोई मतलब कमेंट्स में आप लोग सारे बेकिंग रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस है आप लोग पूछ लो, मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे जितने भी आप सबके डाउट्स हैं सब क्लियर करूंगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।